अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी पर ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु श्री साई अच्छा बाबा को कई लोगों ने कई बार सामिश नॉन वेजिटेरियन भोजन खाते हुए पकाते हुए भी देखा था, तो अब सवाल ये उठता है कि उसमें तो बाबा हिंसा करते थे। सवाल उठेगा हमारे मन में, क्यों? कथा ये नहीं है कि सारे आपको जवाब दे दे, कथा तो ये भी है जो आपके मन में नए सवाल खड़े करे और उन सवालों का जवाब आप ढूंढिए। स्पून फीडिंग नहीं है। एक उम्र के बाद तो मां भी स्पून फीडिंग करना बंद कर देती है, गोद से उतार के कहती है कब तक ऐसे ही खाता रहेगा गोद में बैठा हुआ, चल चुपचाप अपने हाथ से खा। उसका जवाब यह है कि बाबा जिस अवतार में आए थे उस अवतार में उनको ये कर्म भी करना पड़ा। हालांकि कहीं सच्चरित्र में जिक्र नहीं है बाबा के समकालीन लोग जो भी रहे हैं उनके जब बाद में इंटरव्यू किए गए, कहीं ऐसा लिखने में नहीं आया कि बाबा ने स्वयं किसी भी जीव को अपने हाथ से हलाल किया हो। बल्कि दादा साहब खापरडे की पत्नी श्रीमती खापरडे ने एक बार एक काले कुत्ते को रोटी खिला दी तो बाबा ने उनसे जब वो शाम को वापस द्वारका माई मस्जिद में आई तो उन्होंने कहा भाई मुझे बड़ी भूख लगी थी, तूने आज उसको रोटी खिला के मुझे तृप्त कर दिया। देखिए अहिंसा का कितना सुंदर उदाहरण है जब बाबा ये कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं में हर शय में मैं ही मैं हूं। कितना सुंदर बाबा ने यह उदाहरण दिया है कि जब तुम किसी को मारते हो जिसके अंदर मैं हूं तुम उसको खत्म कर रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो। बाबा ने डायरेक्ट शायद कभी किसी से नहीं कहा कि तुम वेज खाओ नॉन वेजिटेरियन खाओ, लेकिन इस दुनिया के समस्त जीवों में मैं हूं। उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास उसके अंदर दे दिया हर जीव में। तब समझ में आता है कि जब हम किसी जीव को मारते हैं तो हम साईं का एक अंश मार रहे होते हैं। लक्ष्मीबाई से बाबा ने एक दिन कहा माई बड़ी भूख लगी है कुछ खाना लेकर के आ, भाखरी कुछ लेकर के आ जा। लक्ष्मीबाई शिंदे दौड़ कर गई भाखरी बना करके लाई, बाबा ने बाहर बैठे कुत्ते को वो भाखरी फेंक के दे दी, कुत्ता सरपट उसको खा गया। लक्ष्मीबाई नाराज हुई बाबा से कि मैंने तुम्हारे लिए भाखरी बनाई तुमने उसको खिला दी। बाबा ने कहा तुमने उसको खिलाई है मुझे खिलाई, बात एक ही है। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएंगे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, इसको भी बाबा ने एक बड़े सुंदर उदाहरण से स्पष्ट किया है कि खाना कुछ भी हो गुरु की जो सीख होती है वो सर्वोपरि होती है।
ये किस्सा साई सच्चरित्र में नहीं आता है, ये किस्सा साई सच्चरित्र के इतर जो बाबा के विषय में साहित्य उपलब्ध है उसमें यह किस्सा आता है कि एक बार एक ब्राह्मण इस उम्मीद में कि उसको कुछ नगद बाबा के पास से मिल जाएगा, वो बाबा के पास आया। उस समय कुछ बच्चे मस्जिद में बैठ करके पुलाव बनाना था, बिरयानी बनानी थी, तो मांस के टुकड़े काट रहे थे बैठ करके। तो उस व्यक्ति ने बाबा के पास भिक्षा मांगी। बाबा ने उन लड़कों से कहा कि इसकी जेब में जो तुम काट रहे हो वो डाल दो, इसकी झोली में डाल दो। बाबा का गुस्से का बड़े फेमस थे बाबा, तो गुस्से के मामले में ये हम कहें कि छोड़ दीजिए। तो उस व्यक्ति को इतना डर लगा कि अब इसने बाबा ने डलवा तो दिया है, मेरी झोली में कुछ तो भी, मैं अगर विरोध करूंगा तो मुझे पड़ेगी डांट। ये कहकर सोच करके जो भी उसकी झोली में डाला गया था उसको लेकर के वो वहां से भागा और बिना देखे वो अपनी झोली में से उन टुकड़ों को उठाकर रास्ते में फेंकता हुआ गया। आखिर में उसको एक छोटी सी नदी मिली, वहां पर उसने सोचा कि अब अपने झोले को जरा पवित्र कर लूं इस नदी में धो करके। कुछ एक छोटा मोटा उसमें बचा हुआ था, जैसे ही उसने झोले को उल्टा किया उसमें देखा सोने के छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं। उसको सोचा कि जो मैं अभी तक फेंकता आया हूं वो भी तो सोना ही नहीं था। वो दौड़ता हुआ वापस गया, लेकिन साईं की लीला है, उसको वो कुछ नहीं मिला। उसने अपना सिर पीट लिया कि साईं ने मेरी झोली भर दी थी और मैं उसके आशीर्वाद को ठुकरा करके आ गया। यही चीज जीवन में समझ देती है कि अच्छा बुरा जैसा भी वक्त आए साईं की कृपा मान करके उसको झेल लेना चाहिए, क्योंकि जो हमको बुरा दिख रहा है उसके अंदर शायद कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो ऊपर ऊपर से बुरा दिख रहा है, प्यास का छिलका निकलेगा और अंदर से हमारे काम की चीज निकलेगी। हम लोग दुख में साईं को बुरा भला बोलते हैं, इसलिए साईं की जो मर्जी है उसको करने दो। हम तो उसकी राह पर चलते चले। साईं लिख दी तेरे नाम अरजी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। साईं लिख दी तेरे नाम अरजी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। साईं लिख दी तेरे नाम अरजी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। असर दिल के अपमान का, बस भरोसा बढ़ा दे तू इंसान का। मुझ पे ना हो असर दिल के अपमान का, बस भरोसा बढ़ा दे तू इंसान का। दिल भरोसा करे सिर्फ तेरा करे, तू अंधेरा करे या सवेरा करे। दे दे अमृत मुझे या कोई जहर दे, दे दे अमृत मुझे या कोई जहर दे। हर घड़ी मन में अपनी कोई लहर दे, हर घड़ी
मन में अपनी कोई लहर दे। साई लिख दी तेरे नाम अर्जी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। साई लिख दी तेरे नाम अर्जी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। सर्दी में भी तेरी गर्मी लगे, वक्त की सख्तियों में भी नरमी लगे। तेरी सर्दी में भी तेरी गर्मी लगे, वक्त की सख्तियों में भी नरमी लगे। पत्थरों को मैं समझूं नवाजिश तेरी, तेरे कांटों को मानो मैं बख्शीश तेरी। हर घड़ी मेरे दिल में तेरा नाम हो, हर घड़ी मेरे दिल में तेरा नाम हो। तू मेरा है मेरा साई मेरा नाम हो, तू मेरा है मेरा साई मेरा नाम हो। साई लिख दी तेरे नाम अर्जी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। साई लिख दी तेरे नाम अर्जी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, जो तेरी। आओ साई, हमने हमेशा ये कहा है कि साईं हर बार कथा में किसी न किसी रूप में हाजिर हो जाते हैं। हमने कल आओ साईं कहा था, आना ही पड़ेगा कहा था, और वो पालकी में आ गए। आज हमने हर जीव में साईं के होने की बात की, कुत्ते में भी साईं के होने की बात की, और ये कथा का महात्म्य है। जो कथा साई को यहां खींच लेती है, वो कथा आपके मन में क्यों ना बैठे। सोचिए, अपने अंदर साई को जागृत कीजिए। यम का दूसरा प्रकार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ने एक निष्ठा, हम जिसमें भी जिस शक्ति में अपना विश्वास रखते हैं वो अव्यभिचारिणी होना चाहिए। भक्ति में अगर व्यभिचार आ गया, भक्ति अगर यहां वहां मुंह मारने लग गई, तो वो भक्ति खत्म हो जाती है। हम लोग द्वार द्वार जाते हैं, भटकते रहते हैं, एक दर नहीं पकड़ते। एक भक्त शिरडी में आया था, उसको कहीं चैन नहीं मिल रहा था। बाबा ने उससे कहा, मन बहुत चंचल है, वो यहां वहां भटकता रहता है, तुम उसको भटकने मत दो, तुम उसको
स्थिर कर दो। तुम अपने मन को, अपने स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। बस ब्रह्मचर्य जिसमें भी विश्वास रखें, पूरा विश्वास रखें, वैसा रखें जैसे एक पति अपनी पत्नी में रखता है और पत्नी अपने पति में रखती है। वो निष्ठा होनी चाहिए जो एक पति की एक पत्नी के प्रति होती है और एक पत्नी की एक पति के पति के प्रति होती है। हम लोग यहां वहां जाते हैं वो हम व्यभिचार कर रहे होते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य अखंड नहीं रहता। हमारा ब्रह्मचर्य हमारे इष्ट में उसी प्रकार से अखंड रहना चाहिए जैसा साईं का अपने इष्ट में था, अपने गुरु में था। उनका इतना विश्वास अखंड था कि जब वो रात को मस्जिद में सोते तो महालसा पति से कहते थे कि महालसा मेरे छाती पर तू हाथ रखना, ध्यान रखना कि मेरे दिल में, मेरी धड़कन में अल्लाह का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। हमको ये मानना पड़ेगा कि वो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। हम उससे मिलेंगे तो ही पूर्ण होंगे, अन्यथा हम अपूर्ण बने रहेंगे, इनकम्प्लीट बने रहेंगे। और पूरा होने की इच्छा किस में नहीं होती है? सब में इच्छा होती है पूर्ण होने की, लेकिन भक्ति में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। साईं कभी ये नहीं कहते थे कि मैं मालिक हूं, वो तो सदा ये कहते थे दासो हम। अनल हक नहीं कहते थे, वो कहते थे यादे हक। मैं बहुत छोटा हूं, वो परमात्मा है, मैं तो छोटा सा उसका अंश हूं। उनकी भक्ति इतनी अखंड थी, इतनी निष्ठा थी उनकी भक्ति में कि जब किसी ने उनको सोने के लिए एक पटला दिया जो कि एक हथेली चौड़ा था और 3.5 हाथ लंबा था, वो उसको टूटी फूटी कटी हुई चिंदियों से छत से बांध करके लटका देते थे, उसके 4 कोनों पे 4 दीपक लटका देते थे, रख देते थे और उस पे सो जाते थे। उनको पता था कि मेरा वली मुझे गिरने नहीं देगा। ये होता है ब्रह्मचर्य, जो किसी भी लोभ लालच में ना आए, जो कहीं लार टपका था ना फिरे कि मैं 16 सोमवार कर लूंगा तो ये हो जाएगा, मैं 16-18 मंगलवार कर लूंगा तो ये हो जाएगा। मानो सबको लेकिन विश्वास किसी एक का करो। सब जगह जाओ, हर जगह माथा टेको, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, गणपति के मंदिर जाओ, महादेव के मंदिर में जाओ, साईं बाबा के मंदिर में जाओ, लेकिन निष्ठा अपने स्तंभ को पकड़े रहो, यही बाबा ने कहा। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाव धूप, मैं बिल्कुल तुझे सा, तू बिल्कुल मुझे सा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग
छावधू, मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छावधू, मैं बिल्कुल तुझे सा, तू बिल्कुल मुझे सा, मैं आत्मा, तू परमा साथ समंदर, तू पर्वत मैं कंकर, मैं एक बूंद तू साथ समंदर, तू पर्वत मैं कंकर, मैं निर्बल तू बलवान, पर मैं तेरी पहचान, मैं निर्बल तू बलवान, पर मैं तेरी पहचान, मैं बिल्कुल तुझसा, तू बिल्कुल मुझसा, मैं आत्मा, तू परमात्मा, मैं आत्मा, तू परमात्मा। जीवन जान शरीर भरम है, जीवन जान शरीर भरम है, अमर अटूट बसल बस हम है, अमर अटूट अटल बस हम है, तू हर पल मेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ, तू हर पल मेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ, तू बिल्कुल मुझसा, मैं बिल्कुल तुझसा, मैं आत्मा, तू परमात्मा, मैं आत्मा, तू परमात्मा। हर एक सांस जो मैं लेता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ, हर एक सांस जो मैं लेता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ, तू मेरा सुर संगीत मैं गाऊं तेरे गीत, तू मेरा सुर संगीत मैं गाऊं तेरे गीत, मैं बिल्कुल तुझसा, तू बिल्कुल मुझसा, मैं आत्मा, तू परमात्मा, मैं आत्मा, तू परमात्मा, तू परमात्मा, तुझ में खो जाऊं मैं परमात्मा। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, यम का तीसरा सूत्र है सत्य। अरे हम लोग तो पग पग पर झूठ बोलने वाले लोग हैं, हर एक बात पर झूठ बोलते हैं, और दूसरे से तो छोड़ो, खुद अपने आप से झूठ बोलते हैं।
हिम्मत है तो मान लेना इस बात को, और नहीं है तो साईं से कहना कि हिम्मत दे, मैं गलत हूं यह मानने के लिए हिम्मत चाहिए। और किसी और के सामने नहीं मानना है, अपने आप से मानना है। बाबा ने कहा था द्वारका माई में बैठ करके, मेरे वचन हमेशा सत्य होते हैं, कोई थोथे पोछे नहीं। इस मस्जिद माई की गोद में बैठकर मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। बाबा ने हमेशा सच बोला, क्योंकि वो दिल के साफ थे, जो बाहर थे वही अंदर भी थे। जैसे दिखते थे वैसे ही बाबा थे, वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। न मेरा साईं बदला था न बदलेगा, इसीलिए वो सत्य है, निरंतर चिरंतन हमेशा, कभी बदलेगा नहीं। हम बदल जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम नहीं बदलते, हमारा वक्त बदलता है, और बदलता वक्त हमको बदल देता है। हम इतने कमजोर होते हैं, हमारा व्यक्तित्व हमारा चरित्र इतना कमजोर होता है कि वो हमको बदल देता है। हमसे अच्छा तो पत्थर है द्वारका माई में रखा हुआ है जो बदलता नहीं है, वो तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, जब तक के साईं ने अपने स्पर्श से उसको पवित्र नहीं कर दिया था, तब भी वो पत्थर वही काम करता था जो आज करता है। शिरडी की महिलाएं जब तक के बाबा उस पत्थर पर नहीं बैठे थे, उस पत्थर पर कपड़े धोती थीं, मैल निकालती थीं कपड़ों का। और एक बार जब साईं उसके ऊपर बैठ गए, तब भी उस पत्थर ने अपना चरित्र नहीं बदला, क्योंकि साईं जैसा महात्मा उसके ऊपर बैठ जाए तो पत्थर भी अपना चरित्र बदल देता है। पत्थर ने चरित्र नहीं बदला, वो आज भी मैल धोने का काम करता है। जब भी हम उसके ऊपर अपना सिर नवाते हैं, हमारी आंख से आंसू निकल पड़ते हैं, हमारे मन का मैल साफ हो रहा है। वो पत्थर आज भी मैल निकालने का काम करता है। वो पत्थर उतना ही सत्य है जितना सत्य हमारा साईं है। उस पत्थर की किस्मत देखिए कि साईं ने उसको क्या छुआ, लोग उसके सामने झुकने लग गए। ये करता है साईं, वो उस पत्थर में भी है और इसके अंदर भी है, वो सब के अंदर है। सबको नमन कर प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साई आप है बसा। सबको नमन करो प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साई आप है बसा। सबको नमन कर प्यारे सदा,
बंदे बंदे में वो साई आप है बसा। सबको नमन कर प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साई आप है बसा। जल थल गगन सभी दिशाओं में, 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 कण कण में है साई का ही जलवा। कण कण में साई का ही जलवा, साई नाम साई जपिए, साई नाम साई जपिए, साई राम साई जपिए, साई राम साई जपिए, साई नाम जपिए, साई नाम साई जपिए। सत्य बोलो सच बोलो। अब एक कहावत हमको सिखाई गई है, सच कड़वा होता है। अरे सच कड़वा नहीं होता, कड़वी तेरी जुबान है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो लिखा गया है, सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्यम अप्रियम नाव्रयात। सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य अगर प्रिय नहीं है तो उसको मत बोलो। जो सत्य अप्रिय लगे वो सत्य सामने वाले को फायदा पहुंचा ना पहुंचाए, आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। किसी के दिल को आप जब ठेस पहुंचाते हैं कड़वी बात बोल करके, तो आप उस दिल में रह रहे साईं को भी ठेस पहुंचाते हैं। आप कौन से दुनिया के सरमाएदार हो ठेकेदार हो कि आपको कड़वा बोलना है? हर आदमी को उसके कर्म का फल देने वाला वो है, बैठा है। आप बोलो सत्य प्रिय बस। कड़वा बना के क्यों बोलना है? जुबान में कड़वाहट क्यों होनी चाहिए? मीठा सत्य बोलो ना। अंग्रेजी में कहते हैं, अ पर्सन विद शुगर ऑन हिज टंग विल ट्रैवल द वर्ल्ड फॉर फ्री। जिसकी जुबान पे गुड़ की डली रखी हुई है वो पूरी दुनिया मुफ्त में घूम के आ जाएगा। चापलूसी मत करो, सत्य बोलो। चापलूसी नहीं करना है। किसी के दोष को अगर आप उसके गुण बना करके किसी के सामने पेश कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, मत करो। उसके दोष उसको ना दिखा सकते हो मत दिखाओ, लेकिन उसके दोष को गुण बना करके उसके सामने मत पेश करो। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कथा में निकलती जाती हैं। लोग कई बार पूछते हैं कि आज आप कथा में क्या बोलने वाले हैं। आज एक विदुषी मिली जब मैं नंदा दीप पर था, मैं प्रदक्षिणा कर करके वापस नंदा दीप की सीढ़ियां उतर रहा था, तो विदुषी आई और मुझसे कहती हैं, मैं आपको कई से बहुत देर से आपका पीछा कर रही हूं, मैं कैथल में भी मैंने आपको देखा था, मुझे आप कुछ भी सुना दीजिए अभी। मैंने कहा, बहन जी माफ करिए, आपको कुछ सुनना है तो
शाम को कथा में आई है, मुझे पता नहीं वो आई हैं कि नहीं आई हैं। तुलनी आप प्लीज मुझे कुछ आप सुना दीजिए। मैंने कहा देखिए मैं सुनाने का काम करता ही नहीं हूं और विविध भारती का फरमाइशी प्रोग्राम में हूं नहीं कि आपने फरमाइश की चिट्ठी भेजी और मैंने सुना दी, क्योंकि जो कुछ बुलवाती है गवाती है वो सब ये जगह करवाती है, मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। करने वाला करवाने वाला सब वही है। अगर मैं इस दंभ में जीने लगूं कि मैं ही करता हूं तो मैं कुछ नहीं करता। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि सच बात करें और अपना रास्ता पकड़ें। बाबा ने सच बोलने की सीख बहुत सुंदर दी एक बार शिरडी में, और यह कहा जाए कि बाबा का सबसे पहला चमत्कार वही था जब बाबा ने लोगों को सीख सच बोलने की दी। और देखिए बिल्कुल कड़वी सीख नहीं थी, सच कैसे बोला जाता है और कैसे बुलवाया जाता है। बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से लोगों से सच बुलवाया। हम सब जानते हैं कि बाबा को जब वो इस टूटी फूटी इमारत में रहने आ गए जिसको उन्होंने मस्जिद माई कहा, उसमें वो रोज शाम को दिए जलाया करते थे। और दिए वो कैसे जलाते थे हम सबको पता है कि चिंदियां जो उनके कपड़े की बची हुई चिंदियां थी उनको बाती बनाते और पड़ोस के दुकानदारों से तेल लेकर के आते और उन दियों में तेल डालते और दिए जलाते थे। अब रोज रोज फ्री का माल कोई नहीं देता। बहुत दिनों तक दुकानदारों ने बाबा को तेल दिया। एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब ये फकीर हमारे पास आएगा तो इसको आज हम कह देंगे हमारे पास तेल है ही नहीं। झूठ बोलने का तय किया उन्होंने। बाबा गए, एक एक करके सबने मना कर दिया कि आज हमारे पास तेल है ही नहीं। साईं से कुछ छिपा था ही नहीं, साई आए, अल्लाह मालिक अल्लाह भली करें बोलते हुए द्वारका माई मस्जिद में आए। वो दुकानदार भी उनके पीछे पीछे आ गए ये देखने के लिए कि आज ये फकीर दिए कैसे जलाएगा। क्या होता है, ये हमारी मानव प्रवृत्ति होती है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उस धोखे का परिणाम देखने के लिए भी हम लोग बड़े इच्छुक रहते हैं कि चलो देखें मजे लेते हैं इस व्यक्ति के, हमने इसे झूठ बोल दिया अब देखें क्या करता है। तो ये दोनों आए और मस्जिद की आड़ में छिप के खड़े हो गए। बाबा मस्जिद में पहुंचे, उनकी टमरेल वहां रखी थी जिसके अंदर वो पानी रखते थे। उस टमरेल में मटके से कुछ पानी मिलाया। सच्चरित्र में लिखा है कि उसको अपने मुंह में लिया और वापस उसी में उलींच दिया और बाती जो लगी हुई थी दियों में उनको साफ करा, जो अध जली थी उनको रख दिया और एक एक करके दियों में उस पानी को उन्होंने डाल दिया। और बाद में जब ये दो दुकानदार देख रहे थे इस तमाशे को और आपस में कानापूसी कर रहे थे, यार ये पागल कहते थे इसको सब, ये तो वाकई में पागल है, पानी से दिए जलते हैं क्या कभी। उस फकीर ने एक एक करके उस पानी से भी दिए जला दिए, पूरी मस्जिद जगमगा उठी। ये देखिए तालियां तो बज गई,
तालियां इसलिए बज गई क्योंकि चमत्कार है। और हमारी महत्व बुद्धि कहती है कि हम लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। और यकीन मानिए, अगर मेरे साईं ये चमत्कार ना कर रहे होते आपके जीवन में, तो हम इतने स्वार्थी हैं कि कभी यहां पर लाइन लगा के ना खड़े होते, ये मान के चलिए। ये भी उतनी हकीकत है, ये भी सत्य है। उसने दिए तो जला दिए। आगे की कहानी सुनिए, वो ज्यादा दिलचस्प है। पानी से दिए जलते हुए देख करके दुकानदार डर गए कि यार ये जो फकीर है, ये पानी से दिए अगर जला सकता है तो ये हमको श्राप भी दे सकता है, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब श्राप इसने दे दिया था और ये भागने को हुए। साईं समाधि में रहते थे, उनको पता था कि क्या हो रहा है, इसीलिए ने उस बाबा ने उन दो दुकानदारों को आवाज देके बुलाया, अरे भागो मत, इधर आओ, इधर आओ। तो दोनों आए और बाबा के पैरों में गिर पड़े कि हमें माफ कर दो, अब तो बाबा खत्म करो मसला, हमसे गलती हो गई। बाबा ने कहा उठो, मुझसे माफी मत मांगो, मुझसे माफी मत मांगो। माफी मांगनी है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाने थे और तुमने झूठ बोल करके उसकी शान में खिलाफत कर दी। तुम्हें माफी मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से मांगो जो रात में मुझसे मस्जिद में मिलने आते हैं और अंधेरा होने के कारण उनको ठोकर लग के चोट भी लग सकती थी। और तुम्हें माफी मांगनी है तो खुद अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ तो बाद में बोला है, तुमने अपने आप से पहले झूठ बोलकर अपनी आत्मा को दाग लगाया है। ये साईं है। दुनिया में जितने भी अवतार हुए हैं उनमें साईं उन अवतारों में शामिल हैं जिन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के लोगों को बदला, आज भी बदल रहे हैं, हमारे अंदर के दानव को दैत्य को मार रहे हैं। आज भी साईं हमारी रास्तों में दिए जलाते हैं। तब से द्वारका माई में दिए जलाने की परंपरा रही। वक्त बदला, संस्थान ने देखा कि बहुत ज्यादा लोग अब द्वारका माई में दिए जलाते हैं, मस्जिद की दीवारें काली पड़ने लगी हैं, तो उसका स्थान बदल दिया गया और अब लिंडी बाग में जो शताब्दी स्तंभ है वहां पर हम लोग दिए जलाते हैं नंदादीप के सामने। साईं के द्वार पर दिए जलाने हैं, सच के, सत्य के। अपने घर में हम भले ही झूठ के दियों से उजाला कर लें, लेकिन मन में तो सच का दिया जलाने पर ही रोशनी होगी। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे
जितने दीप जलाए उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। रंगीली दुनिया खोटी है चमकीली दुनिया, साई से दूर रंगीली दुनिया खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। संसारी असली पूजा शुक्र गुजारी, ओ दीवाने ओ संसारी असली पूजा शुक्र गुजारी। वो हर हालत में मुस्काए साईं भजन जो गाए। साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता किस बात पे तू इतराए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, यम का अगला चरण है असत्येय।
चोरी ना करना, किसी की अमानत पे बुरी निगाह नहीं डालना, किसी को उसके हक से महरूम नहीं कर देना, किसी का हक नहीं मारना। बड़ी बाबा ने सार गर्भित सीख दी थी। जब दहाणू महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, चीकू की वाड़ियों के लिए बहुत फेमस है, चीकू की वाड़ियां वहां बहुत बड़ी हैं। दहाणू के मामलतदार थे बीवी देव। देखिए, मटीरियलिस्टिक चीजों की, सांसारिक वस्तुओं की चोरी कोई भी कर सकता है। साईं को वो पसंद नहीं थी, वो तो हम देख चुके हैं कि गोवा के जो सज्जन आए थे उनके रसोइये ने उनके कुछ 30,000 रुपए चोरी कर लिए थे, और उन्होंने अपने किसी संत ने उनसे कहा कि तुम अपनी कोई खाने पीने की प्रिय चीज त्याग दो, उन्होंने चावल छोड़ दिए, फिर उनके रसोइये ने उनको आकर के वो पैसे वापस कर दिए। वो संत आगे चल करके पता चलता है कि साईं बाबा ही थे। तो बाबा चोरी तो किसी को पसंद करते ही नहीं थे कोई करे। ये तो खैर भौतिक चीजों की चोरी हो गई। बाबा ने बड़ा उच्च उदाहरण दिया, एक दृष्टांत आपके सामने बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि बात करूं उस बारे में। बीवी देव को ज्ञानेश्वरी का पठन करने का शौक हुआ, हम मान के चलते, और जैसा हम लोगों के साथ होता है, हम सच्चरित्र कभी पढ़ने बैठते हैं कभी ध्यान भटक जाता है, कभी यहां वहां फोन की घंटी बज जाती है, कभी कॉल बेल बज जाती है, कभी खाने का टाइम हो जाता है, कभी नींद आ जाती है। मेरे साथ तो कई दफे ऐसा हुआ है कि मैं सच्चरित्र ठान करके बैठा के पढ़ने बैठूं और मुझे नींद आ जाती है। इसको मैं ये भी तो मान सकता हूं ना कि साईं की गोद इतना सहलाती है, आपको इतना कंफर्टेबल फील कराती है कि आपको वैसे ही नींद आ जाती है। जिंदगी में हर चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो ज्ञानेश्वरी का पाठ करने की इनको इच्छा हुई बीवी देव को। और बीवी देव में आपको बताऊं कि जब श्री साईं सच्चरित्र के 52 अध्याय पूरे हो गए थे और इसके मूल लेखक श्री हेमाड पंत अपना शरीर छोड़ चुके थे, तो बीवी देव ने बाबा की कृपा से, बाबा तब तो शरीर में नहीं थे, बीवी देव ने इसका अंतिम अध्याय उपसंहार इस ग्रंथ का लिखा। इनको ज्ञानेश्वरी का पठन करने की इच्छा हुई। बाबा के पास आए, बाबा से अनुमति मांगी, बाबा ने अनुमति दी, लेकिन यही होता कि पढ़ने बैठते और इनका ध्यान भंग हो जाता किसी न किसी कारण से। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, तो व्हाट्सएप पक्का नहीं आते होंगे, नहीं तो अभी हम पढ़ने बैठे टिंग टिंग, पढ़ने बैठे टिंग टिंग, चाहे म्यूट कर दो, एक आधा ग्रुप तो वैसे ही छूट जाता है जिसमें बहुत सारी बरसात होने लगती है अचानक मैसेजेस की। पढ़ने बैठते और ध्यान भंग हो जाता। तो वहां एक बाबा के पास मस्जिद में एक और बंदा बैठता था, उसको बाबा ने आशीर्वाद दिया था, उसने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको वो ग्रंथ समझ में आ गया। तो एक दिन जब बाबा सैर के लिए गए हुए थे, बीवी देव उठे और उस व्यक्ति के पास जाकर के कहते हैं, यार ये तो बता तेरे पर बाबा की कृपा कैसे हुई कि तुझे ये ग्रंथ समझ में आ गया। तेरे पर बाबा की कृपा कैसे हुई कि तुझे ये ग्रंथ समझ में आ गया। उसने बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे पढ़ा और मुझे समझ में आ गया, बाबा कृपा रही, हो गया। बाबा वापस आए,
लोगों ने बाबा की आरती की, प्रसाद बाबा ने दिया, लोगों के सर पर ऊदी लगाई और बाबा ने सबको जाने के लिए कह दिया। लोग जाने लगे, बहुत कम लोग द्वारका माई में उस समय बचे। बीवी देव भी बैठे थे, बाबा ने उनको इशारा करके ऊपर बुलाया और गुस्से में बाबा कहते हैं, तेरे बाल सफेद हो गए हैं लेकिन तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरी चिंदियों की चोरी की है। बीवी देव बेचारे शरीफ आदमी, कभी उन्होंने कोई चोरी वगैरह की नहीं थी। बाबा ने झम के उनको लताड़ लगाई कि तेरे को शर्म नहीं आती, तूने मेरी चिंदियों की चोरी की, जा वापस लेके आ मेरी चिंदियां। रोने लगे बीवी देव के, बाबा मैंने कोई चिंदियों की चोरी नहीं की। तब बाबा पसीज गए और बाबा ने कहा कि मैं बैठा तो हूं, तू लोगों से पूछ करके क्यों तेरा और मेरा कद कम कर रहा है। मैं तुझे सुनहरा शेला देना चाहता हूं और तू चिंदियों में दिलचस्पी रखता है, मत कर। कहते हैं वो लम्हा था कि बीवी देव को वो ग्रंथ समझ में आने लगा और धीरे धीरे वो उस ग्रंथ में इतने प्रकांड हो गए, इतना उन्होंने उस ग्रंथ में पारंगत हो गए कि उन्होंने उस ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया। और काका साहब दीक्षित, जो कि संस्कृत में बहुत जाने माने स्कॉलर थे, उनको भी उस गूढ़ ग्रंथ के गूढ़ अर्थ बीवी देव ने समझाए। तो ऐसी साई की कृपा होती है। अभी मैं ऊपर चढ़ रहा था कि दो व्यक्ति मेरे पास आए, बड़े दिल के करीब हैं, मेरे अजीज हैं। मैंने कहा आज आए तुम लोग, तो बोले उस भाई जी बाबा ने आज पहली बार इसमें बिठा दिया और हम यहां पहुंच गए। मैंने कहा साईं यही है, वो यहां से यहां कब पहुंचाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही बीवी देव, जिनको समझ में नहीं आ रही थी, उनको बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये 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 साईं है। बाबा कहते थे मेरा खजाना तो भरा पड़ा है, दुखी होकर के कहते थे। लोग मेरे पास आते हैं, कोई संतान मांगने आता है, कोई धन संपदा मांगने आता है, कोई कुछ और, कोई कुछ और, मैं सबको सब कुछ दे देता हूं लेकिन कोई मुझसे वो मांगने नहीं आता जो मैं उसको देना चाहता हूं। मेरे सरकार का खजाना तो भरा पड़ा है, है जो माई का लाल आए और गाड़ियां भर भर करके ले जाए। हम लोग चिंदी चोरी में ही यकीन रखते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं उसके पास, वो तो देने के लिए तैयार बैठा है, हम ही अपने हाथ नहीं फैलाते, वो तो दिल खोल के तैयार बैठा है और हम उससे चिंदियां ही मांगते हैं। यकीन मानिए, हम जब ऊपर चढ़ते हैं मंदिर में, समाधि मंदिर में, तो चिंदियों की फहरिस्त हमारे पास होती है, वही लेकर के चढ़ते हैं। अरे यार, उसको नहीं पता है क्या कि हमको कब क्या चाहिए। और मैं बाबा को साक्षी बना करके इस पीठ से आपसे यही कहूंगा,
कि वो आपको कभी नीचा नहीं पड़ने देगा, ये मान के चलो। आपका सिर नीचा होगा तो साईं का सिर नीचा होगा, आप दुखी होगे तो साईं दुखी होंगे, इसलिए वो आपको कभी दुख नहीं आने देगा, मान के चलना, यकीन मानना। और यम का आखिरी प्रकार अपरिग्रह, अपने इष्ट में, अपने आराध्य में, अपने गुरु में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देने का। और समर्पित करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जहां मौका मिला वहीं लंबे हो गए और बिल्कुल दंडवत कर दिया। समर्पित करना होता है मन को, शरीर को नमाना नहीं है, मन को नम करना है। मन भू यानी धरती में घूमता है तो उसके आगे भ लग जाता है, वो भ्रमण हो जाता है। वो जब रति में लगता है तो रमण हो जाता है, वो जब अपना अस्तित्व नकार देता है तो वो नमन हो जाता है। और वो अपने अस्तित्व को नकार करके अपने आप को समर्पित कर देता है और न को पीछे ले जाता है, वो मनन हो जाता है। और जब मन पवित्र होके साफ हो जाता है, वो सुमन हो जाता है। ये मन ही तो है, ये मन ही बनाता और बिगाड़ता है। अपरिग्रह, आप लोग क्या योग की बात कर रहे थे अभी, तो योग का अभी तो पहला अंग खुलना शुरू हुआ है। अभी मैं किसी से 8 पूछूंगा अंग कौन कौन से हैं, कितने लोग बता पाएंगे? इतने लोग कथा सुन रहे, किसी एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। ये अक्सर हमारे साथ होता है कथाओं में, कोई सच्चरित्र की घटना का जिक्र करते करते मैं पूछ लेता हूं किसी से, कितनों ने सच्चरित्र पढ़ा है? कोई हाथ नहीं उठाता, पता नहीं भाई जी बुला करके क्या पूछ लेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहली सीढ़ी अभी तो योग की चढ़ना शुरू की है। अपरिग्रह, अपने मन को लगा देना है साईं के चरणों में। मन लग जाएगा ना तो उसका भटकना बंद हो जाएगा। साईं को मानो अपना गुरु और अपरिग्रह को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हम आज की कथा को अब विश्राम की ओर ले जाएंगे। समय आज की कथा के विश्राम का हो रहा है। मन लागारे लागारे 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 मेरा साईं चरण में साईं चरण में साईं चरण में साईं चरण में मन लागारे लागारे 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 मेरा साईं चरण में साईं चरण में
साई चरण में, साई चरण में। साई मेरे दत्त दिगंबर, साई मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साई मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साई मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साई आ जाओ आ जाओ, साई आ जाओ आ जाओ, साई आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ, साईं आ जाओ आ जाओ। तुम मरुधर में, मरुधर में, मरुधर में, मरुधर में, मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे। मेरा साई चरण में, साई चरण में, साई चरण में, साई चरण में। दयालु साई मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साई मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साई मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। मन धो डालो धो डालो, 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 मन धो डालो धो डालो। तुम इन चरण में, इन चरण में, इन चरण में, इन चरण में, मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे। मेरा साई चरण में, साई चरण में, साई चरण में, साई चरण में।
समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, साईयाओ मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, साईयाओ मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, साई आ जाओ आ जाओ, 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 तुम मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साई चरण में, 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 साई चरण में। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल बहुत ही खास दिन है, अगर बाबा की मर्जी रही, अनुमति रही, कृपा रही, तो कल एक दिन में दो बार दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग सत्रों में श्री साई अमृत कथा का झरना बहेगा। सवेरे 8 बजे से 11:30 बजे तक कोपर गांव में चव्हाण बाबा आश्रम ढोंडी बाबा मंदिर में श्री साई अमृत कथा का कारवां पहुंचेगा, और कल शाम को 7 से इस वक्त तक बाबा की मर्जी रही तो इस कथा की हम आखिरी आहुति कल शाम को डालेंगे, जिसके बाद ये कथा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ेगी। आप सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। आपने कथा का तो आनंद लिया, और विश्व विख्यात हमारे छोटे भाई साईं रतन राजेश ने जो साईं बाबा की लाइव पेंटिंग बनाई है, उसको भी अपनी आंखों से आकार लेते हुए देखा। बड़ा अद्भुत भाव रहता है जब इनके साथ कथा में जुगलबंदी करने का अवसर मिलता है, तो भाव डबल हो जाता है। हालांकि मैंने पेंटिंग नहीं देख पा रहा हूँ, उठ करके अब देखता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से बाबा को उकेर करके उन्होंने हम सबके सामने रख दिया होगा। बस इतना याद रखिएगा कि हमें अपने पथ से भटकना नहीं है, मन छोटा नहीं करना है। जब चीज़ें ठीक ना जा रही हों तब भी दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे, और बाबा सच में भली करते हैं। साईनाथ महाराज की जय।